हेलो स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, राइट। तो इसका जो काम है वो है, दे वर्क बाय आइदर किलिंग द बैक्टीरिया और प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ। इससे क्या होगा, या तो हमारा जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक जब हम लेंगे तो या तो उसको किल करेगा या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। सो द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हम एंटीबायोटिक के वर्ड पे फोकस करें, एंटी और बायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अपोज या अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया। बायो से ही आपको पता चला है कि क्या है, एक लिविंग सिस्टम के लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक है वो कौन सी है, वो है पेंसिलिन। द एक्सीडेंटल डिस्कवरी पेंसिलिन एंटीबायोटिक, और उसको क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम। तो इस पेंसिलिन की डिस्कवरी को एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि इन 1928 टू 1929, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिटर्निंग फ्रॉम अ हॉलीडे टू फाइंड मोल्ड ग्रोइंग ऑन अ पेट्री डिश ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ही नोटिस दैट द मोल्ड सीम टू बी प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया अराउंड इट फ्रॉम ग्रोइंग। ही सून आइडेंटिफाइड दैट द मोल्ड प्रोड्यूस अ सेल्फ डिफेंस केमिकल दैट कुड किल बैक्टीरिया। ही नेम द सब्सटांस पेंसिलिन, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या जाता है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहा जाता है हमारे पास पेंसिलिन की, मतलब कि ये एक्चुअल में कोई डिस्कवर कर ही नहीं रहा था पेंसिलिन एंटीबायोटिक को। ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च वे पर हमारे बना रहे थे, पर इनके पास ये ऑटोमेटिकली इनको पेंसिलिन मिल गई अपने प्रोजेक्ट को करते टाइम, अपनी रिसर्च को करते टाइम, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है द एक्सीडेंटल डिस्कवरी, ठीक है। सो ये हमारे पास डायग्राम है पेंसिलिन का, जिसको क्या बोलते हैं, 6-अमीनो पेंसिलोनिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला है C16H18N2O4S। एस मतलब थाइसोल रिंग इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो इसमें आप अगर स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है, एसिड एमाइड, CONH2। इसके साथ एक एच और जुड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसिड एमाइड, ठीक है। एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, एराइल और एल्काइल सब्सिट्यूएंट्स, एंड दिस इज कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें बोला है 6-अमीनो पेंसिलोनिक एसिड इसका नाम हुआ। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है एंटीबायोटिक की, वे वेरी करती है हमारे, डिपेंड करेगी द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। हाउएवर दे जनरली हैव टू मेन कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जनरली दो मोर जो कंपोनेंट होते हैं, दो मोस्ट वो है, कोर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो कोर स्ट्रक्चर होते हैं टाइपिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कोर स्ट्रक्चर किससे बनी होगी, हमारे हाइड्रोजन एटम से बनी होगी, जो अरेंज होंगे अ स्पेसिफिक वे, ठीक है, स्पेसिफिक वे में अरेंज होंगे। दिस कोर स्ट्रक्चर गिव्स द एंटीबायोटिक इट्स बेसिक फ्रेमवर्क एंड डिटरमाइन इट्स ओवरऑल शेप एंड साइज। सम एंटीबायोटिक हैव अ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, वाइल अदर्स हैव अ लीनियर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आती है बात फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप्स आर स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम अटैच टू द कोर स्ट्रक्चर। तो कोर स्ट्रक्चर के साथ हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबायोटिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप की बात की, COOH और CONH2, तो ये क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल किसको करेंगे, जो हमारे पास एंटीबायोटिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उसको, ठीक है। कॉमन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड इन एंटीबायोटिक इंक्लूड हाइड्रोक्सी OH हो गया हमारे पास, ठीक है, कार्बोनाइल हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, अमीनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो दिस इज नॉट अ कीटोन ग्रुप, दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। दिस फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्ट विद टारगेट मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया एंड इंटरफियर विद देयर नॉर्मल फंक्शन, दैट इज देयर फॉर दे इनहिबिट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट जो हमारे पास एंटीबायोटिक कौन सी है, वो पेंसिलिन है, जिसका हमने अभी डायग्राम भी शो कर दिया है, ठीक है। तो पेंसिलिन एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है न्यूमोनिया के लिए, ब्रॉन्चाइटिस एंड सोर थ्रोट्स हो गए हमारे पास, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास हमने फिनोमिना अभी पढ़े, ये किससे हमारे को मिलते हैं, जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे हमारी बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन ओबटेन फ्रॉम द मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो हमारे पास जो पेंसिलिन बनी है वो किससे बनी है, पेंसिलिन नोटेटम से इसकी डिस्कवरी हुई है। और इसको डिस्कवर किसने किया है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, राइट, इन 1929 में। सो पेंसिलिन गिव पुअर रिजल्ट ऑफ पेंसिलिन इन इंडस्ट्री। तो हमारे पास जो पेंसिलिन बनी थी उस टाइम, इन्होंने क्या किया कि पुअर रिजल्ट दी थी। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है, वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, उसमें इसका कोई गुड रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। इसीलिए अनदर माइक्रोबियल स्ट्रेन, हमारे पास जो क्राइसोजिनम और इसके जो म्यूटेंट्स हैं उनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया था, उनकी प्रोडक्शन की गई थी। सो फार एटलीस्ट 6 नेचुरल पेंसिलिन हैव बीन आइसोलेटेड इन इंडिया। पेंसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स एट पिंपरी नियर पुणे एंड इंडियन ड्रग्स ऑफ एंड फार्मास्यूटिकल ऋषिकेश। तो इंडिया में हमारे पेंसिलिन कहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एक तो पिंपरी में, जो कि हमारे कहाँ पर है, पुणे में है, और उस जगह का नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एट पिंपरी। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो हमारे पास ऋषिकेश में प्रेजेंट है। एंड देन सी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। टाइप्स में हमारे पास दो टाइप के एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है बैक्टीरियल सीडल एंड दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल सीडल पे क्या होता है कि इट किल्स द बैक्टीरिया बाय इंटरफेयरिंग विद देयर सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ। तो इसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल सीडल में क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली, हमारे पास जब हम एंटीबायोटिक अपनी बॉडी में लेंगे, जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो वो एंटीबायोटिक खाता है किसी भी अनदर टैबलेट के साथ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास बैक्टीरियल सीडल टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होगी वो डायरेक्टली किल कर देगी हमारे पास जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो वो कैसे किल करेगी, या तो हमारे सेल वॉल सिंथेसिस कर देगी बॉडी के अंदर, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, RNA to RNA फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर DNA to DNA रेप्लिकेशन होगी, जैसे हमारे पास DNA to DNA, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। और उससे हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है हमारे पास जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल दें, पेंसिलिन भी आपको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि पेंसिलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स भी हमारे पास किसमें आते हैं, बैक्टीरियल सीडल्स में आते हैं। ठीक है, या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है, एंड लास्टली ऑल्फ्लेक्सोन। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम भी है, यहाँ पे हमने शो किया है। ये न्यूली हमारे पास आइडेंटिफाई पेंसिलिन थी, जो अभी अभी थोड़ी मार्केट में लॉन्च हुई है। ठीक है, नाउ बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट डायरेक्टली किलिंग दैम। इसमें बैक्टीरिया सीडल में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली किल हो रहा है, और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या होगा कि इनहिबिट करेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को बैक्टीरिया की। ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है टेट्रासाइक्लाइंस। ठीक है, मैक्रोलाइड्स हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, बैक्टीरियोस्टैटिक के। तो अगर आपको कभी एंटीबायोटिक खानी होगी तो आप प्रेफर कौन सी करोगे, जो डायरेक्टली किल कर देगा बैक्टीरिया को, जैसे हमारे पास होगी पेंसिलिन। ठीक है, इन 1945 फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन आर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन एंड इट्स क्यूरेटिव इफेक्ट इन वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस किस को, फ्लेमिंग हो गए, फ्लोरे एंड चेन को। फर्दर जो हमारे पास चेन है, इन्होंने काम किया था पेंसिलिन के ऊपर दोबारा से, और उनके साथ थे अब्राहम। अब्राहम को क्या मिला था, फर्स्ट इन्होंने प्रपोज किया था बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेंसिलिन को बीटा लैक्टम। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। देन नेक्स्ट इसका है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेंसिलिन। तो जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कंप्लीट कर दिया था, हमने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप किया था, तो हमने उसके एग्जांपल में क्या लिया था, पेंसिलिन लिया था। तो आप चाहो तो वहीं से भी कर सकते हो, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इस टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है पेंसिलिन का। नाउ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन एंटीबायोटिक के ऊपर हम बात करें अगर, तो द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन एंटीबायोटिक हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक डेवलपमेंट सिंस द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इज 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हियर आर सम की माइलस्टोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1940s में हमारे पास फर्स्ट मेजर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हुई थी पेंसिलिन की, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, हेवर्ड फ्लोरे एंड हिज टीम ने।
ठीक है, दे केमिकली मॉडिफाइड पेंसिलिन टू इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पेंसिलिन जी द फर्स्ट क्लिनिकली इफेक्टिव पेंसिलिन। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आइडेंटिफाई क्या हुआ था, पेंसिलिन जी आइडेंटिफाई हुई थी 1940 में, जिसको किसने आइडेंटिफाई किया था हमारे पास, हेवर्ड फ्लोरी एंड हिज टीम ने। ठीक है, तो इसको क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो हमारे पास पेंसिलिन की जो कमियां रह गई उनकी स्टेबिलिटी या इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की गई थी। फिर सेकंड जो हमारे पास डिस्कवरी हुई वो हुई 1950 में। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन पेंसिलिन एंटीबायोटिक वर डेवलप्ड इंक्लूडिंग मिथिसिलिन एंड ऑक्सासिलिन। दिस मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ बल्की साइड चेन ऑफ द पेंसिलिन मॉलिक्यूल मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू पेंसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया इन टर्न एक्सपेंडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेन। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन, जो कि नाउ अ डेज एमोक्सिलिन इज़ अ वेरी पॉपुलर मेडिसिन। ठीक है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो आपको एंटीबायोटिक जब देंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको एमोक्सिलिन आजकल ट्रेंडिंग में है, प्रेजेंट टाइम में ये दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि द नेक्स्ट एडवांसमेंट कम विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एक्सटेंडिंग स्पेक्ट्रम पेंसिलिन। दिस मॉडिफिकेशन अलॉट द एंटीबायोटिक टू हैव इंक्रीजिंग एक्टिविटी अगेंस्ट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ बैक्टीरिया पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये किसके लिए हमारे पास ज़्यादा वर्क करती है, ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास बैक्टीरिया होती है उनके लिए। फिर आई हमारे पास 1970s में कौन सी डिस्कवरी हुई हमारे पास पेंसिलिन, द एडवेंट ऑफ द बीटा लैक्टामेज इनहिबिट द 1970 मार्क्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कंबाइनिंग बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर सच एज क्लेविनिक एसिड और सलबेक्टम विद एग्जिस्टिंग पेंसिलिन एंटीबायोटिक ओवरकम बैक्टीरिया रेजिस्टेंस मैकेनिज्म मॉडिफाइड बाय बीटा लैक्टामेज एंजाइम। तो इसमें जो अभी हमारे पास पेंसिलिन थी उसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया, बीटा लैक्टामेज को इसमें इनहिबिट किया गया। ठीक है, जो कि हमारे पास अनदर माइलस्टोन था स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए पेंसिलिन के लिए। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की जो मैकेनिज्म होती है उसको इन्होंने क्या किया, मेडिटेट किया बाय बीटा लैक्टामेज एंजाइम के थ्रू। फिर आता है हमारे पास 1980। अभी तक हमने कितनी जनरेशन पढ़ी, टू जनरेशन तक पढ़ी। हमारे पास डिस्कवरी तो किस किस की हुई, दो की हुई है अभी प्रॉपर। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, 1980s में। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ गया सिफेलोस्पोरिन्स सच एज सिफेक्सटाजाइम एंड सिफ्राटाइएक्सोन वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट इम्प्रूव्स एंटी माइक्रोबियल कवरेज अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। एंड देन 1990s लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन लाइक पीपरएसिलिन एंड टेरेसिलिन विद एनहांस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एनरोब्स। फिर करते हैं 2000 की बात। 2000 में द फोकस शिफ्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पेंसिलिन एनालॉग्स विद इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई प्रोसेस सच एज आपको पता ही है एडीएमई सच एज प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ एंड बेटर ओवरऑल एब्जॉर्प्शन। इसमें एग्जाम्पल एमोक्सिलिन दे दिया इन्होंने। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सीधा कर सकते हो एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन की रिसर्च में देखोगे तो 1960 में इन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था, और 2000 में इन्होंने क्या, 2000 में इन्होंने हमारे पास इसमें इम्प्रूव कर दिया इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें। ठीक है, तो फर्दर 2000 के बाद रिसेंट एडवांसमेंट हमारे पास चली है, कंटिन्यू रिसर्च इन दिस फील्ड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्थ जनरेशन। राइट, तो फोर्थ जनरेशन के लिए हमारे पास एग्जाम्पल इन्होंने सेफीपाइम के ऊपर वर्क चला है टुडे, जो हमारे पास किसके लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन के ऊपर डिस्कशन। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमारे पास पेंसिलिन जी वी एमोक्सिलिन एक्सेट्रा जो हमने अभी डिस्कवरी की है पेंसिलिन की उनके ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी हमारी पेंसिलिन मार्केट में है और ये हमारे पास बेनिफिशियल होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। राइट, तो आई होप आपको ये